चाहता हूं कि इस देश में जो संकट आया है ये एक पनौती आदमी की वजह से आया है भैया। हर एक घर में दुख है, हर एक घर में लोग तड़प रहे हैं और ये तड़पवा ना हमारे देश के प्रधानमंत्री के कनवा तक नहीं सुनाई दे रहा है। सही बता रहा हूं कि ये जो अंडभक्त है ना, इनके गांव में मिर्ची लगने लगेगी, तुरंत भबाएंगे, खुद लाइट बन जाएंगे, खुद रोशनी देने शुरू कर देंगे। सही बता रहे हैं, देश इतना संकट में आ गया है कि ये साले नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं और अपनी बकचोदी पेलने में लगे हैं। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश हमारा बहुत पीछे जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। इसको ध्यान से जब देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ना, देश हमारा भाई साहब भुखमरी के कगार पर है, नंबर वन पे है। खाने को खाना नहीं, जेब में पैसा नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, लोग मर रहे हैं भाई साहब, मर रहे हैं। स्थिति है, आने वाले 5 साल में सोचिए आपकी स्थिति कैसी होगी। कटोरा लेके भीख मांगोगे बे, कटोरा जो है ना लेकर भीख मांगना पड़ेगा सड़क पे। भैया ये अंधभक्त के दिमाग में मुसलमान इतना जाके बैठ गए ना, इनको रतिया दिनवा सब मुसलमान 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 है समझ में आता है। असल में ये बकचोद है, सही बता रहा हूँ। इनके पास जो है दिमाग उमाग तो है नहीं, बस ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। देश में कोई भी संकट आ जाना तो उसका सीधा कारण ये मुसलमानों को बताते हैं। अरे भैया यार, प्रधानमंत्री से भी कुछ सवाल करिए मालिक, तुमको दुनिया गरिया रही है, तुमको दुनिया वाले तुम पर थूकते हैं, पहले आप उसके बाद आपकी आने वाली पीढ़ी सड़कों पर भीख मांगती हुई नजर आएगी। नमस्कार, सलाम, मैं राज त्रिपाठी जिला जौनपुर से। सभी साथियों से निवेदन करूंगा वीडियो से ज़्यादा शेयर करिए। कहा भैया कोयला खत्म होइए, कहा अब त्यौहार नहीं मनेगा क्या भैया? दशहरा बीता है, अंधेरे में आधे ज़्यादा लोग रहे हैं इस देश के, और भारत के हर 10 घर में से मान के चलिए 2-4-5 घर बिजली के संकटों से जूझा हुआ है और आगे जूझ भी रहा है। और एक बात बताएं दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में जो संकट आया है ये एक पनौती आदमी की वजह से आया है। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि वो पनौती आदमी कौन है। जब से इस देश का बीड़ा उठाया है उस व्यक्ति ने, जब से इस देश को आगे बढ़ाने की बात कही है, तब से देश वो पीछे जा रहा है, वो बैक जा रहा है। वो ये कहकर आए थे कि देश में हम खुशहाली लाएंगे, देश में हम जो है खुशियां बांटेंगे। भैया हर एक घर में दुख है, हर एक घर में लोग तड़प रहे हैं और ये तड़पवा ना हमारे देश के प्रधानमंत्री के कनवा तक नहीं सुनाई दे रहा है। अभी देखिए क्या क्या खत्म होगा भैया। सही बताएं कि इस भारत में, छोड़िए मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश में 1 महीने के लिए बिजली चली जाए ना भैया, सही बता रहा हूँ कि ये जो अंडभक्त है ना, इनके गांव में मिर्ची लगने लगेगी, तुरंत भबाएंगे, खुद लाइट बन जाएंगे, खुद रोशनी देने शुरू कर देंगे। सही बता रहे हैं, देश इतना संकट में आ गया है कि ये साले नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं और अपनी बकचोदी पेलने में लगे हैं। लेकिन वही कहावत है कि भैया इनको बवासीर जैसी बीमारी है हमारे देश के अंधभक्तों को, कि दर्द तो बहुत होता है लेकिन इनसे किसी से अपना दर्द बताया नहीं जाता है। बस हम ही लोग हैं जो इनकी दर्द को समझ पाते हैं, इनकी दर्द को हम लोग समझ लेते हैं। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश हमारा बहुत पीछे जा रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। इसको ध्यान से जब देखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे ना, देश हमारा भाई साहब भुखमरी के कगार पर है, नंबर वन पे है। खाने को खाना नहीं, जेब में पैसा नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, लोग मर रहे हैं भाई साहब, मर रहे हैं। और ये चीजें किसी को, किसी भी नेता को फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपने दुख अपने दर्द लोगों को बताने का काम करेंगे, देखिए वो आपके दुख और दर्द को मजाक बनाने का काम करेंगे। यह सच्चाई है। हम लोग गला फाड़ फाड़ इसीलिए चिल्लाते हैं कि आप लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं कि भैया देश, ये कब जो देश है ना, ये गलत हाथों में चला गया है, गलत लोगों के हाथों में चला गया है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आज ये स्थिति है, आने वाले 5 साल में सोचिए आपकी स्थिति कैसी होगी। कटोरा लेकर भीख मांगोगे बे, कटोरा जो है ना लेकर भीख मांगना पड़ेगा सड़क पे।
सही बता रहे हैं भैया। एक बात ये भी है, मैं बताने चाहता हूँ आप लोगों को कि जब जब देश में संकट आता है तो ये अंधभक्त साले पगलेट बकलोल कहते हैं कि मुसलमानों के वजह से ये सब हो रहा है। कोयला ख़त्म की बात पर एक अंधभक्त का मैंने वीडियो देखा था जिसमें कह रहा है कि इस देश में कोयला ख़त्म होने का सीधा सीधा कारण मुसलमान है। भैया ये अंधभक्त के दिमाग में मुसलमान इतना जाके बैठ गए ना, इनको रतिया दिनवा सब मुसलमान 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 है समझ में आता है। इनको हर चीज़िया में मुसलमान दिखता है। इनकी कोई गाड़ी चुरा ले जाए इसका कारण मुसलमान है, इनका कोई गाल मार दे तो इसका भी कारण मुसलमान है। मतलब इनको मुसलमानों से इतनी दिक्कत है, इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि भैया हम क्या बताएं। ये साले अनपढ़ है, पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़े लिखे होते तो आज इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल थोड़ी करते। नाम की डिग्री इनके पास है कि भैया ये इतनी डिग्री लिए हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, असल में ये बकचोद है, सही बता रहा हूँ। इनके पास जो है दिमाग उमाग तो है नहीं, बस ये हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। देश में कोई भी संकट आ जाए ना तो उसका सीधा कारण ये मुसलमानों को बताते हैं। अरे भैया यार प्रधानमंत्री से भी कुछ सवाल करिए मालिक, आए इस देश को चला कौन रहा है, इस प्रदेश को चला कौन रहा है। अरे भैया कुछ सवाल जो है अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछिए कि भैया इसका कारण क्या है। पेट्रोल महंगा हो गया तो मुसलमान कारण है, कड़ुआ तेल महंगा हो गया तो मुसलमान कारण है। भैया मुसलमानों ने तुम्हारी ऐसी क्या बताएं, मुसलमानों से तुमको इतना ज़्यादा दिक्कत होने लगा है कि भैया तुमको मतलब हर दिक्कत जो है, बेरोजगारी भी एक अंधभक्त कह रहा था भैया कि बेरोजगारी भी इसका कारण मुसलमान है। सोच लीजिए देश की हालत वैसे भी खराब है और इन सारे चमन चूतिया पता नहीं अपने दिमाग को क्या बना लिए हैं कि ये देश को और खराब करने में लगे हैं। हमारे देश की सरकार तो देश को बर्बाद करने में लगी है, उससे ज़्यादा कहीं देश को पीछे ले जाने में ये अंधभक्त लगे हैं। सुधर जाओ बे, तुमको दुनिया गरिया रही है, तुमको दुनिया वाले तुम पर थूकते हैं, अभी भी अगर शर्म नहीं आता है तो यार चुल्लू भर पानी में डूब मरो, सही बता रहे हैं। तुम लोग को गरियाते गरियाते ना हम अपना जुबान भी गंदा कर चुके हैं लेकिन तुम फिर भी नहीं सुधर रहे हो। अरे साले सुधरने का लोगे क्या ये बताओ। सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि भैया मेरा एक ही मोटो है, एक ही उद्देश्य है, इस देश को इस सरकार ने जितना बर्बाद किया है, प्रदेश को इस सरकार ने जितना बर्बाद किया है, अब इस बर्बादी को रोकने के लिए इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम कीजिए। मेरी बात गौर से सुनिए, इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करिए, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी और आप भी, पहले आप उसके बाद आपकी आने वाली पीढ़ी सड़कों पर भीख मांगती हुई नजर आएगी। मान रहा हूँ कि मेरी बात आपको बुरी लगेगी लेकिन सच्चाई कड़वी लगती है। अगर आपको सच सुनना पसंद नहीं है तो आप चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाकर। सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि वीडियो को शेयर करके देश के लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिए। और हम बार बार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देश हमारा बहुत पीछे जा चुका है, अब इसे और पीछे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। देश हमारा तभी आगे बढ़ सकता है जब ये देश के नेता, ये देश के गद्दारों को हम इनके औकात बताएं।